नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे से ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को 17वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उन स्टूडेंट की बात करेंगे जो कि 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि वैसे आपको पता है कि जैसे ही 10th क्लास का एग्जाम खत्म होता है और रिजल्ट आता है, बच्चों की एक नई टेंशन शुरू हो जाती है। और टेंशन क्या है कि अब सब्जेक्ट कौन सा ले जाए। इस दौरान वो बहुत से लोगों से कंसल्ट करते हैं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। वो अपने टीचर से पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं कि यार मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मेरे मैथ्स में इतने नंबर आए हैं तो क्या मुझे मैथ साइंस लेना चाहिए, या मुझे साइंस में या फिजिक्स में इतने नंबर आए तो क्या मुझे बायो साइंस में जाना चाहिए। इस प्रकार की वो चर्चा अपने दोस्तों से, अपने टीचर से करते हैं। और अगर उनको सही गाइडेंस ना मिले तो वो ऐसा सब्जेक्ट चुन लेते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता और फिर आगे जाके उनको प्रॉब्लम होती है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए एनसीईआरटी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कोई टीवी प्रोग्राम नहीं है, एक टेस्ट है छोटा सा, एक एग्जाम है छोटा सा। तो एनसीईआरटी ने इन बातों का ध्यान रखते हुए एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है, एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है क्या। क्या मीन्स KYA, क्या। अब के इसमें, इस जो एग्जाम है क्या, उसमें के स्टैंड फॉर होता है नो, वाई स्टैंड फॉर योर, और ए स्टैंड फॉर एप्टीट्यूड, यानी कि नो योर एप्टीट्यूड। आप अपनी मर्जी का या आप अपनी इंटरेस्ट देखिए अपने आप में कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो ये एग्जाम इस बात पे डिपेंड है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है वो है 29 जनवरी। 29 जनवरी के बाद आप जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इसके बाद डेट दी जाएगी और उस डेट पे जाकर आपको एग्जाम देना। इस एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको किस फील्ड में या किस स्ट्रीम में जाना है। आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है, या आपको साइंस फील्ड में जाना है, मैथ्स फील्ड में जाना है, अकाउंट्स फील्ड में जाना है, आर्ट्स फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है। इससे आप बहुत इजीली तरीके से, बहुत अच्छे से आप अपने आप को जान पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में या किस स्ट्रीम में, किस फील्ड में। और अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फील्ड चूज करते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसमें मिलते हैं। मेरी आपको ये सलाह है कि आप इस एग्जाम को जरूर अटेम्प्ट करें। ध्यान रखें कि 10th का एग्जाम आपके सर पे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस एग्जाम अटेम्प्ट करना है। सिर्फ आपको इंटरेस्ट को चेक करने के लिए एग्जाम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस या बड़े बड़े सम्स आपको दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं, केवल इंटरेस्ट जानने के लिए एग्जाम है। तो मेरी आप सभी को सलाह है कि इस एग्जाम को आप जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आप ये एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो आपको 11th क्लास में जब आप एडमिशन लेंगे तो उस समय आपके लिए बहुत आसानी होगी सब्जेक्ट को चूज करने में। तो कैसे लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।